दोस्तों, सभी दोस्तों को मुसाफिर का नमस्कार। दोस्तों, ये मुसाफिर आपको हमेशा कुछ अद्भुत स्थानों पर लेके जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो भी आदमी पैदा होता है उनके लिए चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग करना जैसे अनिवार्य है, वैसे ही नवनाथ जो है, नवनाथों में के नौ पीठ जो है नवनाथ के, वो नौ पीठ का दर्शन लेना भी अनिवार्य है। बहरहाल हम ऐसे ही नवनाथ के नौ पीठ में से जो छठा पीठ है वटसिद्ध नागनाथ का, महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील के पूर्व में वडवल नाम का गांव बसा है, इसी गांव में ये नवनाथ का छठा अवतार जो है नागनाथ, वटसिद्ध नागनाथ, उनके नागनाथ जी के मंदिर में आए हैं। तो आइए हम अंदर चल करके मंदिर का मुआयना करते हैं। Jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't and going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world. तो दोस्तों, हम आखिरकार आ ही गए हैं वटसिद्ध नागनाथ के उस पवित्र मंदिर में, जो नवनाथ जो है, नवनाथ में के छठे वटसिद्ध नागनाथ जी, जिन्होंने यहाँ संजीवन समाधि ली थी 12वीं सदी में, यानी आज लगभग 1000 साल पहले। ये हेमाडपंथी है। अब यहाँ के कुछ स्थानीय हमारे राजा स्वामी जी हैं। राजा जी, क्या कहेंगे इस मंदिर के मामले? इस मंदिर के बारे में तो मैं जितना बोलूँगा उतना कम है। जो श्रावण महीना जो पवित्र हिंदू लोगों में जो मनाया जाता है, मंदिर की आख्यायिका है ये, जो मंदिर की आख्यायिका जो नवनाथ है ग्रंथों में, वो नवनाथों में से छठे नाथ जो है ये वडवल स्थित वटसिद्ध नागनाथ, इनके नाम से ये मंदिर है। उनका संजीवन समाधि यहाँ पे है। कब ली थी समाधि? एक 1100 साल अच्छा पहले का। तो ये मंदिर जो पहले पुराना हेमाडपंथी, यहाँ क्या क्या धार्मिक विधियाँ क्या क्या होती है? यहाँ पे धार्मिक विधियाँ जो महाशिवरात्रि को यात्रा रहती है, और श्रावण महीने में पूरा महीना भर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत दूर से ही चले आते हैं। अच्छा। और संतुष्ट होकर चले जाते हैं। अच्छा। और अगले साल का जो आने वाला श्रावण महीना है उसका राह देखते और दोबारा सालों साल यहाँ तक आया करते हैं। हाँ, तो पंक्ति होती है, भोजन होता है, भजन पूजन होता है, कीर्तन प्रवचन होता है, भजन प्रवचन कीर्तन, यानी साल के 12 ही महीने यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ होती रहती है। खास करके श्रावण मास में जो है हर दिन दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर आके वटसिद्ध नागनाथ जी का दर्शन लेते हैं और बहुत ही संतुष्ट होकर यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, और ये देखिए इधर, ये जो कि हर शिव जी के मंदिर के सामने रहता है, नंदी महाराज जी आपको दिखेंगे मंदिर के सामने। और दोस्तों, हम अब प्रवेश कर रहे हैं उस मुख्य मंदिर हेमाडपंथी मंदिर में। ये जो सामने आप गोल्डन कलर का सोनेरी देख रहे हैं, ये बहरहाल ये हेमाडपंथी है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर ऐसा रंग रंगोटी करके उसका जो मूल रूप है उसको डिस्टर्ब किया गया है। बहरहाल देखिए कितना खूबसूरत, कितना पवित्र। आप ये देखिए हेमाडपंथी, ये देखिए मूर्तियाँ हर दीवार पर, हर पत्थर पर, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ। धार्मिक प्रसंग यहाँ पर आपको दिखेंगे, जहाँ जिस पत्थर पर देखोगे बस धार्मिक प्रसंग दिखेंगे, धार्मिक विधियाँ दिखेंगी। और देखिए ऊपर कितनी दत्त जी की, महादेव जी की सुंदर मूर्ति है। इधर गणेश जी है, इधर गणेश जी भी दिखेंगे। तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर दत्त जी है। तो हम बहरहाल अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। और देखिए ये नीचे उतर के जाना पड़ता है, और देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत, कितना पवित्र ये दृश्य आपको दिखता है। हमेशा महादेव जी की पूजा यहाँ के होते रहते अक्सर। देखिए कितना खूबसूरती से सजा है इसका, इन्हें इस पिंड को, महादेव जी को। ये ऊपर नागनाथ जी, इधर से
तो ये साल के 12 महीने भारतवर्ष से पूरे लोग आकर के यहाँ पे दर्शन लेते हैं वट सिद्ध नागनाथ जी का, जो कि नवनाथों के छठवें अवतार है, जिन्होंने यहाँ संजीवन समाधि ली थी। आपका नाम क्या है ताई? मैं केरू बाड़ा साहेब वडवड़कर। हाँ, तो ये ताई यहाँ की पुजारी है। क्या क्या, कहाँ से लोग आते हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ धार्मिक कार्य? पूरे भारत से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से। ये इतना प्रचिति भगवान है कि तुम मरे वाले बच्चों को भी जिंदा कर सकता है, इतना सच्चा ये भगवान है। देखो ताई की क्या भावना है, वो कहती है कि जो मरे वाला है उसको भी अमरत्व प्राप्त कर देना। बच्चों को उन्हें जिंदा करे वाला है, मेरे खुद के बच्चे को। मैं किस, क्या हुआ था बच्चे को, क्या इसे परिस्थिति में लेके गई थी और कैसे परिस्थिति में लाई हूँ, ये भगवान को और खाली मुझे मालूम है। मेरे भगवान के सिवा मेरा कुछ नहीं। तो कहाँ से भक्त आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? मुंबई, पुणे, आपने भारत के हर कोने कोने से यहाँ भक्त आते हैं। तो उनकी जो इच्छा है, मन्नत है, वो पूरी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। आपका इतना दृढ़ विश्वास है? दृढ़ विश्वास है। तुम मांग के देखो, ये भगवान तुमको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। क्या बात है, ये विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, और इसलिए ये ताई यहाँ पे हमारे पुजारी बनी हुई है। ये जो दीप देख रहे हैं आप, वो 2400 सालों से बस बुझता नहीं है, बस जलते रहता है। यही तो भक्ति की, यही भक्ति होती है। तो यहाँ कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, सप्ताह या ऐसे कोई? यहाँ सप्ताह होता है, भंडारे होते हैं, हर गुरुवार को आरती प्रसाद चालू रहता है, अन्नदान हमेशा चालू रहता है यहाँ। तो देखो कितना प्रसन्न वातावरण है। ये मैं फिर से आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील, जो यहाँ का तालुका है, वहाँ से पूरब की दिशा में महज 7-8 किलोमीटर पे ये नवनाथों में के छठे। जन्म जन्म का मेरा भाग्य है कि इस भगवान के मुझे सेवा मिली है। देखो ताई क्या समझते हैं कि इनका कितना पुण्य होगा जो भगवान जी के सानिध्य में रहने का उनको मौका मिल रहा है। आपके जैसा भाग्य हर एक का हो, हर एक का हो, जो भी कोई यहाँ आए उसकी झोली भर के जाओ, यही मैं भगवान। हमारे लिए भी दुआ कीजिए आप। तुम ही नहीं, जो भी कोई ये भगवान के सामने आएगा उसकी खोली झोली भर के जाओ, यही मैं भगवान। नहीं, नहीं, हम आपको पूरे भारत में बता रहे हैं, आपका चेहरा हमारे लिए जरा ज्यादा खास मांगो। नहीं, मैं भगवान के लिए सब बराबर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भक्ति है। तो बहरहाल ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील के वडवल का वट सिद्ध नागनाथ मंदिर है। बहुत ही पवित्र पुराना मंदिर है, 1200 साल पुराना, जो नवनाथ के पंथ है, हिंदू धर्म का एक पंथ है। नवनाथ में के छठवें गुरु थे वट सिद्ध नागनाथ जी, जिन्होंने यहाँ संजीवन समाधि ली थी। ये बस इसी पिंड के नीचे महाराज जी है, उनको भक्ति भाव से दर्शन कीजिए, श्रद्धा से भाव दर्शन कीजिए। इसी भावना के साथ मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तालुक के से वडवल से मैं आपको आपसे विदाई लेता हूँ। जय जगत, जय वट सिद्ध नागनाथ जी।